अस्सलाम वालेकुम। मुम के पकवान में आपका स्वागत है। मैं मुमताज़, आज मैं पापड़ी की भाजी बनाने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यह आधा किलो पापड़ी है, इसे हमने छोटा छोटा तोड़ के ले लिया है। ये पांच बड़ी प्याज है, इसे काट के ले लिया है। ये दो बड़े आलू है, इसे भी छोटा छोटा कट कर लिया है। एक बड़ा टमाटर है और सात से आठ हरी मिर्ची है, जिसे लंबी लंबी चीर के ले लिया है। एक टीस्पून धनिया जीरे का पाउडर है, एक टीस्पून घाटी चटनी है, एक टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर है और हाफ टी स्पून हल्दी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे तरीके से। यह हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, इसमें चार चम्मच राई का तेल डाला है और इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डालकर हम प्याज को थोड़ा गुलाबी होने देंगे। प्याज गुलाबी लाल हो चुकी है, अब इसमें हम आलू डाल देंगे और आलू के साथ प्याज थोड़ी लाल होने देंगे। प्याज लाल हो चुकी है और आलू भी थोड़े नरम हो गए हैं, अब इसमें टमाटर और हरी मिर्ची डालकर टमाटर सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। अब इसमें सूखे मसाले डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। इसमें पापड़ी भी डालकर मसालों के साथ अच्छे से पापड़ी को मिला देंगे। आप मेरी वीडियो एंडिंग तक देखिए, आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमने पापड़ी को अच्छे से मसालों में मिला दिया है, अब इसे 10 से 12 मिनट के लिए ढक्कन ढककर स्लो आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। बारह मिनट हो चुके हैं, देखिए पापड़ी की भाजी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम कोथमीर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। चलिए आपको निकाल के बताते हैं कि हमारी भाजी कैसी बनी है। देखिए हमारी पापड़ी की भाजी बनकर तैयार है और ये झटपट बन जाती है। आप भी इसी तरीके से पापड़े बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।